तो दोस्तों आज से हम करेंगे अमृत महोत्सव, मन चुका है 75 साल का और कल हमने खूब खाना वाना खा के अब आलस आ चुका है 2 दिन की छुट्टी के बाद। तो आज से मैं कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉग बनाऊँ। और अभी तक आप देख रहे थे वीडियो, तो वो टेस्टिंग मोड के सारे वीडियो आ रहे थे कि उसमें ISO क्या होता है, थोड़ा बहुत सीख रहा था मैं न्यू कैमरे की वजह से। तो आज मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं है क्योंकि 2 दिन का जो आलस आ रखा है ना, मतलब छुट्टी पे जाके वो लेट के खाने की, उसकी वजह से अब जाने का मन नहीं कर रहा, मगर जाना पड़ेगा क्योंकि घोड़ा हाथ से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। हम छुट्टी करने लग जाएंगे तो हमारी जगह कमाएगा कौन। तो आगे दिखाता हूँ मैं बैग पैक अपना, उसमें क्या क्या रखता हूँ मैं, और कई बार तो कई चीज़ें भूल भी जाता हूँ, तो बने रहिए। तो मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ और आज का टास्क है 20 किलो नमकीन, 5 किलो के पैकेट, 4 बैग हैं। और ये देहरादून का जो हाईवे बन रहा है ना, दिल्ली देहरादून, जो इसकी घोषणा की दी है नितिन गडकरी साहब ने, तो कहा जा रहा है कि 2 घंटे में देहरादून पहुँच जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है, मगर जाम बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, 20-20, 30-30 मिनट लग जा रहे हैं, जबकि 10 से 15 मिनट लगते थे। और पूरा पुश्ता जाम है, ये कई लोग नीचे से भी जाते हैं, नीचे से गड्ढे बहुत हैं, अगर एक बार जाम लग गए तो खुलने के आसार बहुत दिक्कत हो जाती है वहाँ पर, फिर वो जाम खुलने का नहीं। चलो आगे चलते हैं। और जैसे ही मैंने श्यामगिरी मंदिर पे शॉर्टकट मारने की कोशिश करी, यहाँ पे पानी इतना सारा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है पानी में, यहाँ पे गड्ढे हैं और एक बार गड्ढे में घुसा तो चोट लगने के पूरे पूरे चांसेस। जैसे ही मैं श्यामगिरी से आगे निकलता हूँ तो ये मोहतरमा मिलती है, देखिए क्या भूल जा रही है, स्कूटी पे है ये, इनका हेलमेट पता नहीं कहाँ है, और इन्होंने कान पे हेडफोन लगाया था हेलमेट, वो यहाँ पे दिखता है और ये फ़ोन पे बात करते हैं। तो लोग कितना मतलब रिस्क लेते हैं, जान, एक जगह में पढ़ रहा था जान आलू प्याज बच चुकी है, मतलब कि जो जीवन है वो आलू प्याज के भाव में बिक रहा है। और जैसे ही मैं 30,000 से आगे जाता हूँ, अवैध होल्डिंग, हाँ जी हाँ, अवैध होल्डिंग, वो रोड पे बिखरे पड़े हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे डंडे, और यहाँ तो खैर अलग बात है, वो गिरे पड़े बीच रोड में, कीलें होती हैं इनके अंदर, अगर वो किसी टू व्हीलर वाले को लग जाए या डंडे की वजह से बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए तो क्या होगा। टाइम है और मैं पहुँच जाता हूँ ऑफिस से साकेत, तो साकेत से वापसी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे रेड लाइट जंप हो रही है, और क्या बोलते हैं, लास्ट वीडियो मैंने डाला था तो उस पर कमेंट आया था कि आपकी भी गलती है, उसमें मैंने गलती करी थी, तब से मैं रेड लाइट जंप नहीं कर रहा हूँ और ना ही रूल ब्रेक कर रहा हूँ। और कई बंदे पीछे से फिर हॉर्न बजाते हैं कि हट जा भाई, ऐसे साइड दे दे, तो उनको समझना चाहिए कि अगर सामने वाली की जो ग्रीन सिग्नल वाला है वो बंदा आ गया ना लास्ट सेकेंड में, तो आपका क्या हाल है, ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। और जैसे ही मैं आगे निकलता हूँ तो ये देख सकते हो छपरी निकले, तो ना हेलमेट है, स्प्लेंडर गाड़ी है और भगाए जा रहे हैं, अगर कहीं हल्का सा भी कुछ लगा तो इनके क्या हाल हो जाएंगे। और भाई जैसे ही मैं ये एम्स वाले फ्लाईओवर से चढ़ता हूँ जो राइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है मेरे साथ, मेरी स्कूटी का ना क्या बोलते हैं रेस फ्री हो जाती है, मेरे बिल्कुल 40 से 60 पकड़ने लगती है सीधे, और मैं घबरा जाता हूँ। उसके बाद मेरे को करना क्या होता है, उसकी चाबी मैं बंद करता हूँ और उसको धक्का मार के मैकेनिक तक पहुँचाता हूँ। रात के 8 बज चुके थे, मैकेनिक भी बोलता भैया 200 रुपये लूँगा, फिर उसके बाद करना क्या होता है, मैंने देना होता है उसको 200 रुपये,